इस जगह इसका टाइमिंग सिस्टम है, टाइमिंग चेन इनलेट केम स्प्रॉकेट, एग्जॉस्ट केम स्प्रॉकेट, दो टाइमिंग गाइड्स, एक हाइड्रोलिक एडजस्टर। इस जगह इसकी एग्जॉस्ट केम शाफ्ट की मार्किंग है, इस जगह इसकी इनलेट केम शाफ्ट की मार्किंग, इस जगह इस क्रैंक शाफ्ट की मार्किंग। ये जो कट है इस टाइमिंग चेन की कलर कोडिंग के बिल्कुल सेंटर में आएगा। टाइमिंग चेन में टोटल 3 मार्किंग दी जाती है, 2 केम शाफ्ट की होगी, 1 इनलेट केम शाफ्ट की होगी, 1 एग्जॉस्ट केम शाफ्ट की होगी, और सबसे नीचे होता है क्रैंक पॉकेट की मार्किंग। इस जगह इसका सिस्टम है हाइड्रोलिक एडजस्टर, जो कंप्लीट ऑयल के प्रेशर के थ्रू टाइमिंग चेन को एडजस्ट करने का काम करता है। तरीके से हम टाइमिंग सिस्टम को मैच करते हैं। इस जगह जितना भी सिस्टम था इसका, सिलेंडर हेड का, हर सिस्टम को कंप्लीट फिट कर दिया गया, चाहे वो इनलेट केम शाफ्ट हो, इनलेट केम शाफ्ट कैप हो, एग्जॉस्ट केम शाफ्ट हो, एग्जॉस्ट केम शाफ्ट कैप्स हो, टाइमिंग सिस्टम हो, इस जगह इंजन माउंटिंग्स है, हर सिस्टम को कंप्लीट फिट कर दिया गया। इस जगह जितना भी सिस्टम था इसका, ड्राइव बेल्ट, डीसी कंप्रेशर बेल्ट, अल्टरनेटर बेल्ट्स को कंप्लीट फिट कर दिया गया। इस जगह इसका इनलेट मैनिफोल्ड है, थ्रोटल सिस्टम है, थ्रोटल सिस्टम को कंप्लीट क्लीन किया गया। इस जगह इसका फ्यूल इंजेक्शन का सिस्टम है, फ्यूल रेल येलो कलर के आप सब देखोगे, फॉर इंजेक्टर्स है। इस जगह इसका सिस्टम है, जब सिलेंडर हेड कवर फिट कर दिया जाएगा कंप्लीट, अब हम इसमें इग्निशन सिस्टम को फिट करेंगे। इस जगह आप सब देखोगे जितना भी सिस्टम था एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का, इनलेट मैनिफोल्ड, हर सिस्टम को कंप्लीट फिट कर दिया गया। इस जगह इसका कवर है सिलेंडर हेड कवर्स, कभी भी आप सिलेंडर हेड कवर्स को रिमूव करते हैं उस टाइम पर आपको सिलेंडर हेड गैस्किट को रिप्लेस करना होता है। इस जगह इसका सिस्टम है थर्मोस्टेट वाल, इस वाल्स को भी रिप्लेस किया जा रहा है, जो मारुति का रिप्लेसमेंट पार्ट्स होता है MSGP। इस जगह इसका सिस्टम है इग्निशन सिस्टम, जिसके थ्रू कंप्लीट कंबशन चैम्बर में स्पार्क को जनरेट किया जाता है।
गाइस आप तो देखो गाड़ी फाइनल हो गई है और ये इस गाड़ी की चाबी, अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, देखते हैं स्टार्ट होती है। जय श्री राम। कहीं से लीकेज है? ठीक है, राइट है, राइट है। ये आप सब देखो इस जगह जितना भी सिस्टम था रेडिएटर स्लॉट को, इस सिस्टम को कंप्लीट रिमूव किया गया है। जितना भी सिस्टम था इसका कूलिंग सिस्टम, वो सिस्टम डिफेक्ट था जिसकी वजह से गाड़ी ओवर हीटिंग हुई है। इंजन और रेडिएटर सिस्टम में बिल्कुल भी कूलेंट नहीं था, जिसकी वजह से बिना कूलेंट के इंजन रन हुआ है, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग का इश्यू हुआ है। अभी आप सब देखो इस जगह जितना भी सिस्टम इसका रेडिएटर का, ये सिस्टम कंप्लीट डिफेक्ट हो गया इस जगह। जितना भी इसका लोअर टैंक था रेडिएटर का, ये पार्ट्स कंप्लीट डिफेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से गाड़ी में ओवर हीटिंग का इशू आया था। ये आप सब देखोगे डिफेक्टिव पार्ट्स को कंप्लीट रिमूव कर लिए गए। इस जगह इसका सिस्टम होता है रेडिएटर्स का, उस पार्ट्स को कंप्लीट रिमूव कर लिए गए। इसका रिप्लेसमेंट पार्ट्स होता है जो आज की वीडियो में कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है रेडिएटर्स। ये आप सब देखोगे इस तरीके का पार्ट्स है रेडिएटर, जो आज की वीडियो में कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है डिफेक्टिव पार्ट्स को। मारुति का और रिप्लेसमेंट पार्ट्स होता है, ये आप सब देखोगे जो कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। इस जगह से ये सिस्टम कंप्लीट डिफेक्ट हो गया है। जितना भी सिस्टम है बॉटम का टैंक्स, ये सिस्टम कंप्लीट डिफेक्ट हो गया। जितना भी कूलेंट है वो इस जगह से लीकेज हो रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी ओवर हीट हुई थी। ये आप सब देखो गाड़ी फाइनली कंप्लीट हो गई। जितने भी सिस्टम था हर सिस्टम को कंप्लीट फिट कर दिया गया। अभी आप सब रीडिंग देखोगे 36,436 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल चुकी है। अब इस गाड़ी में आपको चेक करवाया जाएगा 1,000 से 1,500 किलोमीटर के बाद प्रॉब्लम चेक करवाई जाएगी। वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई, अभी गाड़ी में हर डिफेक्टिव पार्ट्स को रिप्लेस किया गया। ये आप सब देखो गाड़ी फाइनली कंप्लीट हो गई। अब टेस्ट ड्राइव लेते हैं, फिर आपको और दिखाते हैं। कोई आवाज़ है, पिकअप में कोई इशू है, एक बार टेस्ट ड्राइव लेते हैं, गाड़ी बंद हो रही है नहीं हो रही, फिर आपको कंडीशन दिखाते हैं। पी पे शिफ्ट है, आपको एल शिफ्ट करना है लोअर गियर।